फरीदाबाद में अरावली पहाड़ का नज़ारा है। सुबह के समय यहाँ पर शांति रहनी चाहिए, लेकिन मशीनें चलने की आवाज़ें आ रही हैं। दरअसल यहाँ पर अवैध माइनिंग हो रही है। अरावली पर बहुमूल्य पत्थर हैं जिनको तोड़कर बजरी बनाई जाती है। वकील पराशर ने अरावली पहाड़ का दौरा किया और अवैध माइनिंग का पर्दाफाश किया। देखिए, खनन जारी है अच्छा, गुड़गांव रोड के पास आप देखें, बॉर्डर से आधा किलोमीटर दूरी फट्टियां लग रही हैं। उसके अंदर आप जाके देखें तो बड़े बड़े पत्थरों का ब्लास्ट करके खनन किया जा रहा है, जिसकी मैंने वीडियो भी दी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब जो खनन मंत्री हैं वो हमारे फरीदाबाद से हैं। अच्छा। और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फरीदाबाद में भी ऐसे ही छापे मारें। अभी उन्होंने मौजूदा दो तीन दिन पहले छापा मारा था, जिसमें काफी मशीन जेसीबी और मौके पर जाकर ही खनन का छापा मारा था। आगे हमें ये उम्मीद लगती है कि शायद फरीदाबाद के अरावली पर्वत का चीरहरण रुक सके। एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्टिकनेक्स की वजह से, दूसरे हमारे यहाँ के मंत्री होने की वजह से। तो आप हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की बात कर रहे हैं, जो परिवहन के साथ साथ खनन मंत्री हैं, बल्लभगढ़ के विधायक हैं। आपको उम्मीद है वे फरीदाबाद अरावली पहाड़ पर हो रहे खनन को, अवैध खनन को रोकेंगे? जो आप दिखाते हैं पहाड़ों पे जाकर कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, तो क्या आप अभी भी जाएंगे आगे वहाँ पर पहाड़ों पर जाएंगे? हाँ, अभी तो इसकी जो हमने देखी है इसकी शिकायत करेंगे मंत्री जी से, और वो गए हैं एक दो बार, मैंने अभी देखा टीवी पे जहाँ खनन होने की उन्हें खबर मिली है, वो गए हैं, मौके पे गए हैं। फरीदाबाद में ही? नहीं, फरीदाबाद में नहीं, फरीदाबाद से बाहर। अच्छा, मैंने तो आपके माध्यम से देखी थी। नहीं, फरीदाबाद तुमके नजदीक है, आप उनको सूचना दो कि यहाँ खनन हो रहा है। सूचना देंगे, बाकायदा दरखास्त देंगे, मेमोरेंडम देंगे कि इस तरह से यहाँ हो रहा है। और अरावली पर जहाँ तक हम भी आपके साथ गए थे, कई जगह 400-400 मीटर तक पहाड़ खोदे गए हैं, खाइयां हो गई हैं। ये सब मंत्री जी को दिखाएं कि देखो अरावली कितनी लूटी गई है, और इसकी जांच करवाएं कि कौन ले गया इतना पत्थर। अरबों के पत्थर गायब हैं, कई बड़े पहाड़ गायब हैं अरावली से। देखो जी, अरावली का तो किसी भी सरकार ने चीरहरण में कसर नहीं छोड़ी। जहां तक ये आप बता रहे हैं, वाक्य में इतने इतने गड्ढे हो गए हैं, उसकी बिल्कुल हम इस बात का आपकी बात से सहमत है। हम इसकी इधर वो करेंगे, एप्लीकेशन लगा देंगे और बाकायदा जांच कराएंगे। वैसे जहां तक मेरे संज्ञान में आया है, शायद स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई अलग से वो बना दी है डिपार्टमेंट इसके अरावली के संबंध में। अच्छा, लेकिन जहां तक खनन की बात है वो मैं कह रहा हूँ, बस अब भी लगातार जारी है। जो मैंने कहा था नोटिस भेजे गए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के नोटिस भेजे थे, जिसमें डीसी फरीदाबाद सहित और माइनिंग ऑफिसर सहित दो और अन्य आदमी थे, जिसमें मैंने कंटेम्प्ट में पार्टी चीफ सेक्रेटरी को भी जी को भी बाय नेम बनाया था, लेकिन वो रिटायर हो गए, और उसमें बाय नेम डीसी फरीदाबाद, माइनिंग ऑफिसर और दो अन्य के खिलाफ सुनवाई थी। जहां तक खनन की बात है।